हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वनडे मैथ्स दंगल पे सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7। और इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करवा रखे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। जो भी ये आप नंबर्स का क्यूब निकालना है तो इनका क्या करना है, आपको सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम होल क्यूब वाली इसमें आइडेंटिटी यूज़ होंगी, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो पहला सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ 99 का होल क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 करके लिख सकते हैं। अब इसका क्या लिख देंगे, होल क्यूब कर देंगे। अब माइनस वाली आइडेंटिटी होल क्यूब वाली यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब यहाँ पे यही वाली सेम चीज, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब इसको टू क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, और ये आ जाएगा 100 माइनस 1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 100 का जब क्यूब निकालेंगे कितना आ जाएगा, 60 आएंगे यहाँ पे, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ये आएगा 300। 100 में से बन जाएगा क्या बचेगा, 99, तो ये आ जाएगा 160 माइनस, जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 390, ये दो जीरो पहले लग जाएंगे, 390 27 3927 में 2 प्लस करेंगे 29। अब जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस, जब इसको प्लस करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2970 1। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे 1079 2, जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से बन जाएगा 9, तो 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 9। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 970299। तो आप ऐसे इसका होल क्यूब निकाल सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। अब चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 102 का होल इसको निकालना है। तो जब आप यहाँ पे 102 का होल क्यूब निकालना, तो 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर देंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x में ब्रैकेट में x प्लस वाई। जब इसको एक्सपेंड करेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये 1 के बाद में 60 आ जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 3 2 6 मतलब 600 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ये आपका 60 प्लस 8 प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने, 00 हो जाएंगे, और 6 × 12 6। आप जब इसको प्लस करेंगे
चलिए इसको प्लस कर लेते हैं तीनों को, 3, 4, 5, 6 और ये 2 0 612। और कितना प्लस करना है? 8 करना है। जब आप इसको 8 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा, 0 2 1 6 0 1। इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1, ये 6, ये 0, इसका जो आंसर आ जाएगा 1061208 निकल के फाइनल इसका आंसर निकल आएगा। तो हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया, अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। इसका थर्ड पार्ट क्या है, ये लिखना है आपको, निकालना है 998 का होल क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, क्योंकि 1000 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 998 आएगा। ऐसे माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1000 माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1000 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1000 का जब क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 के बाद में 90। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन माइनस 2 का 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। इसको जब माइनस करोगे तो आप ये मल्टीप्लाई 998 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अब इसको 8 करेंगे और भी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 6830 पहले लगाएंगे, 6 8 जाए 48, 6 54 और 4 58 हो जाएगा, कैरी 5 बचेगा, 6 9 जाए 54, 5 54 में 5 प्लस करेंगे तो 59 कितना आ जाएगा। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसको जब प्लस इसमें एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 5 9 8 0 0 8 आ जाएगा। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे आप तीन चार पाँच छः सात आठ नौ माइनस कितना करना है, 8 8 9 5, इसको जब माइनस करेंगे 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 9 9 9 में से 8 जाएगा 1 1 0 4, ये 9 9, इसका इतना फाइनल आंसर आ जाएगा 9 9 9 4 0 1 1 9 2। तो ये इसका आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो जो भी लोग हमारे चैनल का है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप जो भी पीछे के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके मैंने चैप्टर 1 भी करवाया हुआ है कम्प्लीट, तो वहाँ से आप चैप्टर 1 के क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।